नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो देखा जाए तो कोई टॉपिक नहीं है, वो एक कमेंट है जो कि मेरे पास अनगिनत बार आ चुका है। आपको ध्यान हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आप लोगों को डिलीवरी रूम की सीक्रेट बातें बताई थी कि डिलीवरी रूम के अंदर क्या क्या होता है। मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी दिया था, तो उस वीडियो में जो है, और वैसे भी बहुत सारे वीडियो में मेरे पास दो कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। पहला कमेंट आता है कि क्या डिलीवरी के समय हमारा हस्बैंड हमारे साथ डिलीवरी रूम में जा सकते हैं या फिर नहीं, और जो दूसरा कमेंट आता है वो ये कि क्या डिलीवरी रूम में जेंट्स डॉक्टर भी होते हैं या फिर वहाँ पे जेंट्स स्टाफ वगैरह भी होते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। दोस्तों, देखा जाता है बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इस पर कोई वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कमेंट इतने ज़्यादा हैं, इतने तादाद में है कि मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो जिन लोगों के दिमाग में सवाल है उन लोगों के लिए वीडियो है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी थोड़ा मुझे जुकाम हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, पहली बात कर लेते हैं कि क्या डिलीवरी रूम में आपके हस्बैंड आपके साथ जा सकते हैं या फिर नहीं। तो विदेशों में क्या होता है कि यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है तो वहाँ पे आपके हस्बैंड आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। ये कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई आपके साथ हो, ताकि आपको सपोर्ट मिले, इमोशनल सपोर्ट मिलता रहे, क्योंकि आपके साथ कोई अपना होता है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, जिसके लिए वो बच्चा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बाप से ज़्यादा बच्चे की अहमियत कौन समझ सकता है, उसके लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पापा ही होते हैं, फादर ही होते हैं। इसलिए नॉर्मली हस्बैंड को जो है, यानी कि बच्चे के होने वाले फादर को जो है, डिलीवरी रूम के अंदर रहना पड़ता है सपोर्ट के लिए। लेकिन दोस्तों, यदि सीजरियन डिलीवरी होती है तो नॉर्मली वहाँ पे डॉक्टर जो हैं फैमिली मेम्बर्स को नहीं रखते हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन होता है और काफ़ी बड़ा ऑपरेशन होता है। तो देखा जाए तो यह संस्कृति जो है ऑपरेशन का, सीजरियन डिलीवरी का, विदेश से आया है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे कि 90% तक जो है नॉर्मल डिलीवरी होती है, और 10% ऐसे केस होते हैं जहाँ की सीजरियन करनी पड़ती है। मतलब ये कि डॉक्टर खुद चाहते हैं कि महिला की डिलीवरी नॉर्मल हो, और उसके लिए वो प्रयास भी करते हैं, बाकायदा पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को पैसे की ना बहुत ज़्यादा भूख रहती है, ज़्यादातर लोग रहती हैं, और इसी चक्कर में डॉक्टर क्या करते हैं कि सिजेरियन करो। लोग दिमाग में पहले से बैठा देते हैं कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी सिजेरियन होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी सिजेरियन होगा, और लोग दिमाग में बैठ जाता है। आजकल ना बहुत ही नॉर्मल हो गया है सिजेरियन होना, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर होने लग गया है ना, इसलिए हमें नॉर्मल लगता है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा ऑपरेशन होता है। इसलिए यदि आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हैं तो नॉर्मल डिलीवरी ही करें, नहीं तो आपको आगे पता चलेगा कि सिजेरियन डिलीवरी से आपको क्या क्या परेशानी होने वाली है। ये बात आपको उस समय समझ नहीं आएगा, लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा, तो आप खुद ही पछताओगे। जो लोग जानबूझ के कराते हैं और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमें दर्द नहीं सहना होगा, उन लोगों के लिए कह रही हूँ। बाकी यदि आपका डॉक्टर आपको बोलता भी है ना कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, सर्जरीन होगी, तो एक बार दूसरे डॉक्टर से भी मिलके दिखा लें, ताकि आप अच्छे से कंफर्म हो जाए कि क्या सच में मेरी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती है या फिर सर्जरीन ही होगी। तो दोस्तों, ये तो एक बात हो गई नॉर्मल सिजेरियन डिलीवरी की, कि कौन सी डिलीवरी में हस्बैंड साथ रह सकते हैं, कौन से में नहीं रह सकते। और इंडिया में भी क्या होता है कि पता नहीं क्यों यहाँ पे इस चीज़ का नियम नहीं है कि हस्बैंड को या फिर किसी फैमिली मेम्बर को जो है डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके हस्बैंड आपके साथ हों, या फिर फैमिली में से ऐसा कोई आपके साथ हो जो कि आपको इमोशनल सपोर्ट भी करता रहे, क्योंकि डिलीवरी रूम में आपका अपना कोई नहीं होता, तो थोड़ा आपको अजीब सा लग सकता है। यहाँ के डॉक्टरों का ये मानना होता है, और हमारे भारत में भी मानना होता है, जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो नॉर्मल सी बात है, मेरे साथ कोई नहीं गया था, मैं डिलीवरी रूम के अंदर अकेली ही गई थी। तो उससे पहले जिस रूम में मैं थी, वहाँ पे मेरी मम्मी थी, मेरे हस्बैंड की बुआ जी थी और मेरे हस्बैंड थे। तो क्या हुआ कि जब डिलीवरी होने ही वाली थी, मतलब कि पेन बहुत ज़्यादा होने लग गया था, लेकिन डिलीवरी रूम के अंदर मैं नहीं गई थी। जो हॉस्पिटल के स्टाफ वगैरह थे, उन्होंने ये बोला कि जो कोक होता है ना, माँ को देख के शर्माता है, यानी कि बेटी का जो कोक होता है, जो बच्चा होता है, वो माँ के सामने नहीं हो पाता, क्योंकि वो उससे शर्माता है। तो ये तो एक धारणा हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ से माना जाता है कि अगर आप अपने फैमिली मेम्बर को डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाएंगे तो आप थोड़ा कमज़ोर पड़ सकते हैं, और आपका जो फैमिली का मेम्बर होता है शायद आपको ऐसी स्थिति में ना देख पाए, आपको ज़्यादा कष्ट में ना देख पाए और वो परेशान हो जाए, इसलिए यहाँ पर नॉर्मली लेके नहीं जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लेके नहीं जाते हैं, बहुत सारी जगह अब ये नियम बनता जा रहा है। आप अपने डॉक्टर से पहले ही बात करके रखें कि मैं चाहती हूँ कि डिलीवरी रूम के अंदर मेरे हस्बैंड मेरे साथ हों, तो आप डॉक्टर से बात कर सकती हैं। आप खुल के अच्छे से बोलिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही रहें, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बता दीजिए, वहाँ पे खड़े रहेंगे तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो
तो नॉर्मल सी बात है कि डॉक्टर को जैसा लगेगा बता देंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से क्लियर कर लीजिए, तो हो सकता है कि डॉक्टर आपके हस्बैंड को या फिर आप जिसको चाहें उसको डिलीवरी रूम के अंदर आने की इजाज़त दे दें दोस्तों। लेकिन क्या होता है, यदि आपकी डिलीवरी सर्जरियन होने वाली है तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि डॉक्टर आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी डिलीवरी रूम के अंदर आने भी देंगे, झांकने भी देंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऑपरेशन होता है और बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, तो डॉक्टर उस समय जो है आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को डिलीवरी रूम के अंदर नहीं आने देंगे दोस्तों। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और दोस्तों दूसरा जो कमेंट है कि डिलीवरी रूम के अंदर डॉक्टर लेडीज होते हैं या फिर जेंट्स होते हैं या फिर जो नर्स होती हैं या फिर जो स्टाफ मेम्बर्स होते हैं उनके, उनमें से कोई जेंट्स होता है या फिर नहीं। दोस्तों देखिए नॉर्मली मैं बताऊँ आपको तो ज़्यादातर जब डिलीवरी होती है तो डॉक्टर लेडीज ही होती हैं और डिलीवरी नॉर्मली लेडीज़ डॉक्टर ही कराती हैं, और वहाँ पे जो नर्स होती हैं वो भी लेडीज़ होती हैं, और स्टाफ के जो मेंबर्स होते हैं नॉर्मली वो भी लेडीज़ ही होती हैं। और बहुत सारे हॉस्पिटल इस बात को समझते हैं, शायद महिला कंफर्टेबल ना हो जेंट्स डॉक्टर को देख के या फिर किसी जेंट्स मेंबर को देख के, तो बहुत सारे हॉस्पिटल इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बाकी दोस्तों एक बात और, जिस डॉक्टर से आप स्टार्टिंग से दिखाती आ रही हैं नॉर्मली वो डॉक्टर ही आपकी डिलीवरी करवाते हैं। मेरे साथ भी यही था, जिन डॉक्टर से मैं स्टार्टिंग से दिखाती आ रही थी उन डॉक्टर ने ही मेरी डिलीवरी की थी, और डिलीवरी रूम के अंदर पर्दा लगा हुआ था और दूसरी तरफ जो है एक जेंट्स डॉक्टर थे जो कि बच्चे के डॉक्टर थे, यानी कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को जो है उन डॉक्टर के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो बच्चे की जांच वांच कर सके और जो भी प्रक्रिया है वो कर सके। लेकिन दोस्तों उन डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी करते हुए नहीं देखा था क्योंकि पर्दा लगा हुआ था, वो दूसरी तरफ थे। जैसे बेबी हो गया तो एक नर्स ने बच्चे को डॉक्टर को जाके दे दिया, उन्हें जो भी प्रक्रिया करनी थी उन्होंने वहाँ पे किया। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को अच्छे से लपेट के वही नर्स जो है आपको दिखाने के लिए लेके आती है कि आपका बेबी है, जो भी उनको जो भी उनकी प्रक्रिया होती है वो करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप स्टार्टिंग से किसी जेंट्स डॉक्टर से दिखाती आ रही हैं तो नॉर्मल सी बात है यदि आप उस डॉक्टर से दिखाती आ रही हैं तो आपकी डिलीवरी भी वही डॉक्टर ही करेंगे। अब दोस्तों देखिए मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ क्योंकि अगर वो डिलीवरी करते हैं तो उनको उतना पैसा मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या नियम है मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उनमें जो है शिफ्ट होता है, टाइमिंग होती है, इतनी देर से इतने बजे से इतने बजे तक ये डॉक्टर रहेंगे, उसके बाद डॉक्टर चेंज हो जाते हैं, दूसरे डॉक्टर आ जाते हैं। तो अब डिलीवरी किस टाइम होगी ये तो पता नहीं क्योंकि उनकी ओपीडी भी होती है। अगर मान लीजिए ओपीडी के टाइम ही आपकी डिलीवरी होने वाली है, हो सकता है वो किसी और डॉक्टर को आपके पास भेज देंगे, या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि डॉक्टर आपका दिन में बैठता हो और आपको पेन रात में स्टार्ट हो गया हो और आपकी डिलीवरी रात में हो गई है। ऐसा नहीं होगा कि वो डॉक्टर रात में जग के आपके पास आ जाएगा फिर आपकी डिलीवरी करेगा, ऐसा भी नहीं होता जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी दोस्तों अब जो डॉक्टर आपकी डिलीवरी कर रहा है वो जेंट्स भी हो सकते हैं या फिर वो लेडीज़ भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे लेडीज़ से ही करवाना है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं, मैम जब डिलीवरी होगी तो उस टाइम आप वहाँ पे होंगे या फिर नहीं होंगे, कौन से डॉक्टर होंगे, तो अपने आप बताएंगी कि मैं भी होंगी या फिर मैं नहीं होंगी, वो टाइमिंग बताएंगे, तो आप उनसे बात कर सकते हो, तो आपको जैसा भी होगा वो बता देंगे। लेकिन आपको जो है उनसे बात करनी होगी तभी आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली जहाँ तक है लेडीज़ डॉक्टर ही होती है, नर्स भी सभी लेडीज़ होती हैं और उनके जो स्टाफ मेम्बर्स होते हैं वो भी सभी लेडीज़ ही होती हैं। हो सकता है कि जो बच्चे का डॉक्टर हो वो जेंट्स हो लेकिन वो दूसरी तरफ रहते हैं, डिलीवरी जब आपकी होती है वहाँ पर नहीं होते हैं। मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपको बताया है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप होते हैं, हम डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, तो आप भगवान के सामने क्या शर्माना, भगवान हमें नंगा पैदा करके भेजते हैं, कोई कपड़ा पहना के नहीं भेजता, लड़का या फिर लड़की है तो कपड़ा पहना दो, सभी को एक जैसा बना के भेजते हैं नंगा। और दोस्तों देखिए डॉक्टर के दिमाग में ऐसी कोई बातें नहीं रहती हैं कि ये लेडीज है ये जेंट्स है, वो डॉक्टर होते हैं उनका काम होता है सबको बचाना, चाहे वो जेंट्स हो लेडीज हो, और डिलीवरी की बात होती है तो उनका काम होता है कि वो आपकी डिलीवरी कराएं, उसमें उनके दिमाग में कोई गंदी बात नहीं चल रही होती है कि ये लेडीज है मैं इसका कुछ देख लूँ, ये बस आपके दिमाग की बात है कि जेंट्स डॉक्टर नहीं होना चाहिए। बहुत लोग अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपके लिए भी है कि मुझे नहीं चाहिए जेंट्स तो आप अपने हॉस्पिटल में बात कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए और अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। यदि आपको लगता है कि जेंट्स डॉक्टर ही होंगे तो आप दूसरे हॉस्पिटल में जाके दिखाइए, वहाँ पर बात कीजिए, और हो सकता है कि आपके बात करने से आपकी बात बन जाए तो वो जेंट्स डॉक्टर को ना रख के केवल लेडीज़ डॉक्टर से ही आपकी डिलीवरी कराएं। तो दोस्तों सब कुछ डिपेंड करता है आपके बात करने पे, यदि आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है तो मेरे हिसाब से आपको अपने डॉक्टर से बात ज़रूर कर लेना चाहिए। और यदि आपका डॉक्टर स्टार्टिंग से ही जेंट्स है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेडीज़ या जेंट्स से, लेकिन फ़र्क पड़ता है तो उन डॉक्टर से बोलिए, डॉक्टर मैं चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी टाइम आप वहाँ पर ना रहें, कोई लेडीज़ डॉक्टर रहे, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हैं।
लेकिन बात करनी होगी आपको, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। बाकी दोस्तों जैसे मैं आपको कह रही थी, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, वो आपके लिए होते हैं, आपकी मदद के लिए होते हैं। तो इनमें इन चीज़ों को ना घुसाएं कि जेंट्स होना चाहिए, लेडीज़ होना चाहिए, उनके लिए दोनों बड़े बड़े होते हैं और आपके लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। आपके लिए वो केवल डॉक्टर होना चाहिए, ना कि जेंट्स और लेडीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा जो आपको पूछना है। बाकी दोस्तों मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।